हेलो एवरीवन, और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, तो यहां पे सबसे ही पहला वर्ड आता है, दैट इज़ मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं? ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं। मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि मेनली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं या फिर सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट फंक्शन होता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि हो गया अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, शुगर या फिर लिपिड्स। जबकि अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्राइमरी मेटाबोलाइट का या प्राइमरी पाथवे के बीच का इंटरमीडिएट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसा काम कर रहा हूँ। तो प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन तब मैक्सिमम देखा जाता है जब वो किसी डिफेंस मैकेनिज्म को लाइक एक्शन में लेकर आता है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, तो इनको टोटल चार ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं टारपिन, सेकेंड इज फिनोलिक्स, थर्ड इज एल्कलॉइड्स एंड फोर्थ इज ग्लाइकोसाइड्स, ओके। अगर हम बात करें टारपिन की, तो टारपिन एक हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और अगर हम इसे टारपिनॉइड कहते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा एंड कार्बन भी रहेगा। और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन रहेगा। नेक्स्ट, टारपिन का जो टर्म दे के रखा है, ये एक्चुअल में आइसोप्रिनॉइड कंपाउंड से बनता है या आइसोप्रीन यूनिट से बनता है, और एक आइसोप्रीन यूनिट में लगभग 5 कार्बन पाए जाते हैं, और 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम टारपिन के फॉर्म में हेमी टारपिन कहते हैं, फाइन। तो यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर कोई 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा मोनो, क्योंकि 5 को अगर हम हेमी कह रहे हैं तो 10 को हमें मोनो कहना पड़ेगा, दैट इज फॉर ऑब्वियस, राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फिनोलिक्स की, तो फिनोलिक्स एक्चुअल में OH कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हैं इन केस ऑफ अ प्लांट। फंक्शन की बात करें तो दे सर्व एज अ डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, पैथोजन्स, मैकेनिकल सपोर्ट, अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटर्स, फ्रूट डिस्पर्सर्स, एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ नियर बाई कम्पीटिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पर इनके फंक्शंस देख रखा है कि फिनोलिक्स एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मेनली डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट दी हर्बीवोर एंड पैथोजन। इसके अलावा प्लांट्स में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, यूवी जो रेज होती हैं हार्मफुल रेज उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ नियर बाई प्लांट के साथ भी ये कम्पीट करते हैं, जिसे मेनली हम एलिलोपैथी भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया काउमेरिन्स, लिग्निन्स, फ्लेवेनॉइड्स एंड टैनिन, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिनोलिक्स। इसका हम डिटेल भी आज ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एल्कलॉइड्स की, तो एल्कलॉइड्स थर्ड क्लासेस ऑफ दैट इज योर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सो एल्कलॉइड्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक आप यहाँ से नाम देख सकते हैं एल्कलॉइड्स। तो हम मेनली जैसे कि जो बेस होता है या बेसिक जिसका नेचर होता है उसे हम दैट इज एल्कलाइन भी कहते हैं। तो एल्कलॉइड्स वर्ड एल्कलाइन से ही आया है, बिकॉज इनका नेचर क्या होता है, दे आर बेसिक। सो दे आर बेसिक, दे आर हैविंग अ बेसिक नेचर दैट लीड टू द टर्म एल्कलॉइड्स। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, और ये प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग करते हैं, यानी दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस अगेंस्ट द एनिमल एंड इंसेक्ट अटैक्स। एग्जाम्पल के लिए हो गया एट्रोपाइंस, क्यूरारेंस, मॉर्फिन्स एंड कोडिन, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट, लास्ट अगर हम क्लास की बात करें, दीज आर दी ग्लाइकोसाइड्स। सो ये ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? इट इज़ अ मॉलिक्यूल इन विच कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर जिसे हम कहते हैं, इट इज़ बाउंड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू दी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉइटी कंटेनिंग द OH ग्रुप। तो ग्लाइकोसाइड्स में शुगर नॉन शुगर कंपाउंड से बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये नॉन शुगर कंपाउंड क्या हो सकता है? इट मे बी टारपिनॉइड, इट मे बी स्टीरॉइड, इट मे बी फ्लेवेनॉइड्स और दी अदर फिनोलिक्स। तो ये जो नॉन शुगर कंपाउंड है, हम इसे ए ग्लाइकॉन भी कहते हैं। अगर शुगर की बात करें तो ये ग्लूकोज हो सकता है,
एग्जाम्पल अगर हम दें ग्लाइकोसाइट्स का, तो इसमें चले आते हैं सैपोनिन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स, सिनोजेनिक ग्लाइकोसाइट्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं दैट इज ग्लाइकोसाइट्स के। तो याद रखने का तरीका क्या है यहाँ पे, टारपिन जो होते हैं दैट इज आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं, फिनोलिक्स ओ एच कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, एल्कोलॉइड्स बेसिक नेचर होता है एज वेल एज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। और अगर हम बात करें ग्लाइकोसाइड्स की, तो इसमें दैट इज योर ग्लाइकैन एंड ए ग्लाइकैन ग्रुप दोनों ही होता है, राइट। तो ये हो गया एक, आप कह सकते हो एक रफ बेसिस पे हमने सबका डेफिनेशन देखा एज वेल एज उनके एग्जाम्पल्स देखे। अब अगर हम टारपिन को क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको कहा कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम हेमी टारपिन कहते हैं और एक आइसोप्रीन यूनिट में टोटल 5 कार्बन होते हैं। तो वी कैन से कि एक यूनिट को हम हेमी टारपिन कहते हैं जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं। तो सिमिलरली अगर हम 2 यूनिट लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 कार्बन हो जाएंगे, उनको हम नाम देंगे मोनोटारपिन। 3 यूनिट हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे सेस्क्विटारपिन जो कि 15 कार्बन का होगा, 20 कार्बन यानी डाइटारपिन, 30 कार्बन ट्राइटारपिन, 40 कार्बन टेट्राटारपिन एंड मोर देन 40 कार्बन हम इसे बोलेंगे पॉलीटारपिन। और सिमिलरली यहाँ पे यूनिट्स भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आइसोप्रीन यूनिट्स को नाम दिया जाता है, मतलब कितने आइसोप्रीन यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम टारपिन को क्लासीफाई करते हैं। अब ये चीजें यहीं नहीं रुक जाती, ऑब्वियसली इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, बट एग्जाम्पल में जाने से पहले हमें इसकी बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में पढ़ना होगा कि टारपिन कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो टारपिन के टोटल सिंथेसाइज होने के पाथवे 2 हैं। पहला है MVA पाथवे जो कि साइटोसॉल में देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे। सेकेंड इज अ MEP पाथवे जो कि क्लोरोप्लास्ट में देखा जाता है, दैट इज मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं MEP पाथवे। तो MVA पाथवे में क्या देखा जाता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए ये कन्वर्ट हो जाता है MVA में, दैट इज मेवालोनिक एसिड में, एंड आफ्टर दैट ये CO2 को रिलीज करके, बिकॉज दिस इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये एक CO2 को रिलीज करके विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज पाइरोफॉस्फोराइलेशन, डी कार्बोक्सीलेशन एंड डीहाइड्रेशन, इन प्रोसेस का इस्तेमाल करके ये चेंज हो जाता है IPP में, दैट इज आइसोपेंटेनाइन पाइरोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है, जिसके पास 5 कार्बन कंटेनिंग, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर नेक्स्ट बेसिस पे हम देखें यहाँ पे MEP पाथवे में, तो ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एज वेल एज पाइरुवेट ये दोनों मिलके MEP बना लेते हैं, दैट इज मिथाइल इरिथ्रोटॉल, सॉरी इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट, ठीक है, दैट इज द MEP। ये चेंज हो जाता है किसमें, डाइमिथाइल एलाइल पाइरोफॉस्फेट, पाइरोफॉस्फेट में, जिसे हम बोलते हैं DMAPP, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब DMAPP, डैम्प एंड IPP ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एट अ टाइम चाहे IPP हो या DMAPP हो, फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो नीचे की तरफ ही प्रोसीड होगा, और स्टार्ट करने वाला IPP भी हो सकता है या DMAPP भी हो सकता है, दोनों का तो मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है, बिकॉज दोनों के पास 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और दोनों आइसोमराइज हो सकते हैं। तो देखा ये जाता है कि हर एक स्टेप में एक IPP का एडिशन होता है। तो मान लीजिए यहाँ से 5 कार्बन चला था, एक IPP ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 कार्बन। हम 10 कार्बन को क्या कहते हैं, मोनोटारपिन, और यहाँ पे हमने इसको एक और नाम दिया है जिसे हम कहते हैं जीरोनाइल पाइरोफॉस्फेट, ये एक और नाम आ गया, ठीक है। फिर अगर इसमें हमने एक और IPP ऐड किया, तो पहले था 10 और 5 ऐड कर दिया, यानी IPP एक और ऐड कर दिया, मतलब 5 कार्बन और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 15 कार्बन का। 15 कार्बन की कंपाउंड को हम बोलते हैं सेस्क्विटारपिन, या फिर इसे हम दैट इज योर फर्नेसाइल पाइरोफॉस्फेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक और IPP यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, तो 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो FPP था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, और हम इसे बोलते हैं जीरेनाइल जीरेनाइल पाइरोफॉस्फेट, बिकॉज एक जीरेनाइल यानी 10 कार्बन, 2 जीरेनाइल यानी 20 कार्बन, और इसे हम कहते हैं डाइटारपिन। अब ये जो यहाँ पे सेस्क्विटारपिन होता है, इसमें अगर आप टोटल 2 सेस्क्विटारपिन अगर मिला देते हो, तो वेरी ऑब्वियस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30, 30 यानी ट्राइटारपिन बन सकता है। सिमिलरली अगर 2 डाइटारपिन आप मिला सकते हो, तो 2 डाइटारपिन मिलके टेट्राटारपिन बन सकता है। अगर ऐसे ही करते रहें तो और भी आगे चल के हमें जो है पॉलीटारपिन मिल सकता है, इसी तरीके से सक्सेसिव एडिशन के थ्रू। तो ये हुआ दैट इज बायोसिंथेसिस पाथवे फॉर दी
टारपिन। मेक श्योर इन पाथवे का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कभी कभी मैप पाथवे को डॉग्स पी पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ये था बायोसिंथेसिस पाथवे। ओके नेक्स्ट आता है दैट इज योर टारपिन के एग्जाम्पल्स, कौन सा मोनोटारपिन है, कौन सा सोर्स है, ये पूरा एरिया रटने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, नाम आप देख सकते हैं, उनका सिग्निफिकेंस देख सकते हैं और किस प्लांट से वो ऑब्टेंड होते हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये सारा एरिया रटने वाला है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं तो वेरी ऑब्वियस आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि टारपिन में हमने कहा मोनोटारपिन जो कि 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, एग्जाम्पल के लिए हो गया पाइरीथ्रोइड जो कि इंसेक्ट जिसके पास इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है, लिमोनिन या कैम्फर जो कि मेडिसिनल एक्टिविटी रखता है, मेंथॉल एक फ्लेवरिंग एजेंट है, और यहाँ पे सोर्स बता रखा है जैसे पाइरीथ्रोइड जो है क्राइसम थेमम नाम के प्लांट से ऑब्टेंड होता है। सिमिलरली लिमोनिन कैम्फर कहाँ से ऑब्टेंड होता है, जैसे कैम्फर जो है दैट इज सिनामोमम कैम्फोरा से ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से मैंने सोर्सेस भी आपको दे के रखे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेस्क्विटारपिन के बारे में बोले यानी ऐसा कंपाउंड जिसके पास 15 कार्बन होता है, इसमें से एग्जाम्पल हो गया दैट इज योर फनेसॉल हो गया, एप्सेसिक एसिड हो गया, यहाँ पे इनका दिखा रखा है आपको कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा हो गया दैट इज योर गॉसिपोल हो गया, उसके बाद पेंटालिनोलेक्टॉन हो गया, कैप्सीडायोल हो गया। डाइटारपिन की बात करें तो इसमें टेक्सॉल चला आता है, कैस्बिन, जिब्रिलिन्स, डाइहाइड्रोल्यूकोडीन, ये सब के सब हो गए आपके डाइटारपिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ट्राइटारपिन में तो सिस्टोस्टिरॉल हो गया, उसके बाद हो गया कार्डिनोलिट्स हो गए, टेट्राटारपिन में बीटा कैरोटीन हो गया, पॉलीटारपिन में क्लोरोफिल हो गया, प्लास्टोक्यूनॉन हो गया, रबर, ये सब के सब एग्जाम्पल्स क्या हो गए अलग अलग टारपिन के। तो डिपेंड करता है कि कितने यूनिट का टारपिन है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने कर लिया दैट इज द टारपिन। ओके फिर आते हैं हम फिनोलिक्स के ऊपर। ऑल दो फिनोलिक्स का मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ आपको पहले ही स्लाइड में, और यहाँ पे फंक्शन जो मेंशन है इन फंक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिनोलिक्स किस किस चीज़ों में कैसे कैसे हेल्प करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे दैट इज इसके बायोसिंथेसिस पाथवे की तरफ। तो अगर हम इसके बायोसिंथेसिस पाथवे की बात करें तो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट प्लस फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ये दोनों मिलके विद द हेल्प ऑफ अ सिकमिक एसिड पाथवे ये बनाते हैं फिनाइल एलानिन जो कि एक टाइप का अमाइनो एसिड है, ठीक है। फिनाइल एलानिन बनने के बाद एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं डी अमाइनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन किया जाता है पैल एंजाइम के थ्रू जो कि है फिनाइल अमोनिया लाइज एंजाइम, ठीक है। इसका कन्वर्जन हो जाता है ट्रांससिनामिक एसिड में, ट्रांससिनामिक एसिड उसके बाद फिर कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फिनोलिक्स में, और हम ये बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ रहे हैं दैट इज फिनोलिक्स का ही। तो जो मेजर पाथवे होता है जहाँ से सिंथेसिस देखा जाता है फिनोलिक्स का वो होता है सिकमिक एसिड पाथवे। एक और माइनर पाथवे भी आता है जिसे हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड पाथवे। तो मैक्सिमम टाइम अगर फिनोलिक्स के बायोसिंथेसिस पाथवे के बारे में पूछता है तो सिकमिक एसिड से ही रिलेटेड पूछता है, और अगर मेलोनिक के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे कैन बी या मे बी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा। तो अगर माइनर बेसिस पे बात करें और सेल के अंदर मान लीजिए एसिटाइल को है को ए है और प्लांट में फिनोलिक्स की ज़रूरत है, तो एसिटाइल को ए से भी मेलोनिक एसिड पाथवे को फॉलो करके फिनोलिक्स बन सकता है। अब आता है दैट इज फिनोलिक्स की क्लासेस, कि फिनोलिक्स में भी जो मैंने आपको चार एग्जाम्पल दिखाया दैट इज दी काउमेरियंस हो गए, लिगनिन्स, फ्लेवेनॉइड्स एंड टैनिन्स। तो अगर हम बात करते हैं काउमेरियंस की, सो स्कोपोलिटिन इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड काउमेरियंस। स्कोपोलिटिन नाम का सब्सटेंस सबसे वाइडली स्प्रेड काउमेरियंस के नाम से फेमस है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द सीड कोट में प्रेजेंट है एंड इनहिबिट द जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है। एक डाउ कामेरोल है जो कि एक एंटी कोगुलेंट फैक्टर की तरह काम करता है, एंड एफ्लाटॉक्सिन B1 जो कि माइकोटॉक्सिन या फिर कार्सिनोजेनिक फैक्टर माना जाता है, एंड एज बिकॉज इट इज अ माइकोटॉक्सिन देन वी कैन से दैट इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम फंजाई, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव। तो काउमेरिन के ये सारे के सारे डेरिवेटिव हैं, और ये इनमें से सबसे वाइडली स्प्रेड स्कोपोलिटिन माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिग्निन की, तो लिग्निन एक हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है 3 टाइप के फिनोलिक एल्कोहल का। पहला है
कॉनिफराइल अल्कोहल, सेकेंड इज काउमेराइल अल्कोहल एंड थर्ड इज सिनापाइल अल्कोहल, ठीक है, एंड नोन एज अ मोनो लिग्नॉल्स। इन सारे अल्कोहल को हम मोनो लिग्नॉल्स बोलते हैं और लिग्निन इन सब अल्कोहल से मिलकर बना होता है। इट इज इनसॉलेबल इन वाटर, वाटर में इनसॉलेबल होता है एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह भी माना जाता है। इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट में, एंड इट इज अ इनडाइजेस्टिबल टू एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लेवोनॉइड्स की, तो ये लार्जेस्ट क्लास कंसिडर किया जाता है और इसको फर्दर और डिवाइड किया गया है फ्लेवोनॉइड्स को, दैट इज एंथोसाइनिन, फ्लेवो फ्लेवॉन्स में, फ्लेवेनॉल्स में, आइसोफ्लेवेनॉइड्स में, ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखें फ्लेवॉन्स का, तो इसका यूवी प्रोटेक्शन में, सॉरी यूवी प्रोटेक्शन में इसका रोल देखा जाता है, ठीक है। और फ्लेवेनॉल्स एक अट्रैक्टेंट की तरह, फ्लेवेनॉल्स एक अट्रैक्टेंट की तरह काम करता है, आइसोफ्लेवेनॉइड एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है। एंथोसाइनिन की बात करें तो ये प्लांट्स में रेड पिंक कलर, जो आप सॉरी जो फ्लावर्स में रेड पिंक पर्पल कलर आपको देखने को मिलता है, वो एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन की वजह से ही देखने को मिलता है। और इसका मेन काम क्या होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। ओके, तो इस ढंग से हमने देख लिया कि एक्चुअल में दैट इज योर फ्लेवोनॉइड्स कैसे काम कर रहा है, राइट। अगर नॉर्मल बेसिस पे कहें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास टैनिन। टैनिन एक वाटर सॉल्युबल प्लांट पॉलीफिनॉल है, विच कॉज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, जो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करवा सकता है। अगर टैनिन किसी प्लांट में प्रेजेंट रहता है तो वो फीडिंग रेपेलेंट की तरह काम करता है, मतलब जिस प्लांट में टैनिन का कंसंट्रेशन हाई होगा, एनिमल्स उसको उसके ऊपर फीड करना या उस प्लांट को खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वापन जो है प्लांट में, बिटरनेस जो होता है प्लांट में, वो प्रोवाइड करता है। तो फीडर जो होते हैं मेनली प्लांट्स पे, जो फीड करने वाले एनिमल्स होते हैं, वो इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट चला आता है दैट इज एल्कोलॉइड्स। तो एल्कोलॉइड्स के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एल्कोलॉइड्स आर वॉट, दैट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एल्कलाइन होते हैं नेचर में, एंड इनका एंटी हर्बीवोर नेचर होता है, लाइक अगर प्रेजेंट रहते हैं तो हर्बीवोर्स को फीड करने नहीं देंगे, एज वेल एज एंटी माइक्रोबियल होते हैं, फीडर्स को रिपल करने का काम करते हैं। इनका सिंथेसिस भी सिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू ही होता है। और प्रीकर्सर मॉलिक्यूल की बात करें तो बहुत से प्रीकर्सर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया ऑर्निथिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडिन, एस्पार्टिक एसिड, इतने सारे यहाँ पे आपको प्रीकर्सर मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हो गया निकोटिन, ठीक है, यहाँ पे यूज भी इनके बता रखे हैं, जो कि स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट या ट्रांसक्यूलाइजर के फॉर्म में काम करता है। एट्रोपिन हो गया, कोकिन हो गया, कॉनिनिन हो गया, रेट्रोसिन हो गया, ल्यूपिनाइन हो गया, कोडिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, उसके अलावा हो गया दैट दी सिलोसाइबिन, इसके अलावा रेस्पाइन एंड स्टाराइसिन। तो इस तरीके से इतने सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सब कुछ याद नहीं करना है, इसको याद कर लीजिएगा। एट्रोपिन, कोकिन हो गया, इसके बाद कोडिन, मॉर्फिन हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। ये कुछ गिने चुने छह हैं जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं, बाकी सारे इवन यू कैन स्किप, बट यस कुछ एक आध याद रहना चाहिए कि इन केस अगर मैच द फॉलोइंग में चला है इनका नाम तो आप याद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस चीज़ को कि गेट में ऐसा नहीं है कि मैंने इसको मार्क नहीं किया है तो ये क्वेश्चन में आ नहीं सकता है। गेट बहुत अनएक्सपेक्टेड बेसिस पे काम करता है, मतलब आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि वो कहाँ से क्वेश्चन देगा। हो सकता है कि मतलब अक्सर गेट मतलब कि अनकॉमन चीज़ों को ज़्यादा पिक करता है, जैसे CSIR थोड़े कॉमन चीज़ों को पिक करता है, गेट अनकॉमन चीज़ों को ज़्यादा पिक करता है। तो ऑल दो इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए मैंने बताया है, बट जिनको स्किप किया है दैट डजेंट मीन कि उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो अगर याद हो सकता है तो सब कुछ याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट जो मार्क किया है वो आप याद कर सकते हैं कि वो क्या है और किसकी तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेनेसेंस एंड PCD, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ। तो पहले कुछ बेसिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऑटोलिटिक मतलब, ऑटोलाइटिक का मतलब हो गया सेल्फ डाइजेस्टिंग प्रोसेस होता है ये, ठीक है।
that is controlled by the interaction of environmental factor with genetically regulated developmental programs. तो यहाँ पे जेनेटिकली भी इसको रेगुलेट किया जाता है एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको रेगुलेट करते हैं. साथ ही साथ एक और नाम आता है जिसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस. नेक्रोसिस एक्चुअल में एक एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है जो किसी भी एक फिजिकल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये जनरेट हो सकता है. सो डेथ दैट इज डायरेक्टली कॉज्ड बाय द फिजिकल डैमेज और पॉइजन लाइक द हर्बिसाइड्स और अदर एक्सटर्नल एजेंट दैट इज टर्म्ड एज द नेक्रोसिस. नेक्स्ट टर्म आता है एब्सेशन. एब्सेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट जो पेरेंट बॉडी होता है उससे फ्रूट का, लीव्स का, इन सब का सेपरेट हो जाना, यानी फॉलिंग ऑफ मेनली कहा जाए तो इसे हम कहते हैं एब्सेशन. सो एब्सेशन रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ सेल लेयर दैट अकर एट द बेस ऑफ द लीव, फ्लोरल पार्ट एंड फ्रूट विच अलाउ देम टू बी शेड ईजिली विदाउट डैमेजिंग द प्लांट. और एब्सेशन मेनली प्लांट को डैमेज नहीं करता है. ठीक है, अगर इसी बेसिस पे देखा जाए तो प्रोग्राम में जब सेनेसेंस हो रहा होता है तो टोटल 3 टाइप के प्रोग्राम सेल डेथ पाए जाते हैं. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज प्रोग्राम सेल डेथ. तो देखिए, प्रोग्राम सेल डेथ की अगर हम बात करते हैं मतलब कि प्लांट की बॉडी ऐसे प्रोग्राम की गई है जेनेटिक बेसिस पे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ डैमेज हो गया तो उस सेल को दैट इज प्रोग्रामिंग के तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा या डिग्रेड कर दिया जाएगा. दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्रोग्राम सेल डेथ. तो प्लांट में टोटल 3 टाइप का सेनेसिंग इवेंट देखा जाता है जिसमें कि एज दैट इज सेनेसेंस शो करते हैं प्लांट, यानी एजिंग प्रोसेस शो करते हैं. ठीक है, सो देर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट सेनेसेंस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेनेसिंग यूनिट. पहला है प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्स्ट है ऑर्गन सेनेसेंस एंड लास्ट इज होल प्लांट सेनेसेंस. तो यहाँ पे सेनेसेंस को डिवाइड करने की कोशिश की गई है, या तो किसी पर्टिकुलर पार्ट का सेनेसेंस हो रहा होता है जहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ देखा जाता है, या तो कोई ऑर्गन का ही डायरेक्टली सेनेसेंस हो रहा होता है, या तो पूरा का पूरा प्लांट में ही सेनेसेंस देखा जा रहा होता है. अगर हम बात करें पीसीडी की, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ की, तो ये दैट इज इट कैन बी इनिशिएटेड बाई द स्पेसिफिक डेवलपमेंटल सिग्नल और बाई द पोटेंशियली लेथल इवेंट सच एज पैथोजन अटैक और एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेल डिविजन. तो प्रोग्राम सेल डेथ एक्टिव कब होता है? नॉर्मल सा अगर लाइक हम इवेंट देखें, या तो डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम पे वो एक्टिव होता है, यानी किसी को शेप देना है और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेल्स मौजूद है तो उसको डिग्रेड करके प्रॉपर शेप देगा, या फिर बॉडी में यूकैरियोट्स की बॉडी में कुछ डैमेज हुआ है जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता है, तब जाकर फिर से प्रोग्राम सेल डेथ एक्टिव होगा. तो या तो डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम पे एक्टिव होता है, या आप कह सकते हो कि जहाँ पे ऐसा डैमेज हुआ है जो कि करेक्ट नहीं हो सकता है. अगर हम पीसीडी की बात करें, सो पीसीडी इन एनिमल इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्ट सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस कॉल द एपोप्टोसिस, जिसे हम कहते हैं फॉलिंग ऑफ. तो पीसीडी में एक इवेंट देखा जाता है जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस. ठीक है, तो पीसीडी को ही एपोप्टोसिस नहीं कहते हैं. अगर एक बहुत जनरल टर्म कहें ना, तब हम जनरलाइज बेसिस पे कहते हैं एपोप्टोसिस इज पीसीडी. बट अगर बहुत सॉरी अगर हम स्पेशलाइज्ड बेसिस पे कहेंगे तो ये बोलेंगे कि पीसीडी में एक इवेंट देखा जाता है जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस का स्पेसिफिकली मीनिंग होता है फॉलिंग ऑफ, यानी गिर जाना, सेपरेट हो जाना. तो पीसीडी में एपोप्टोसिस देखा जाता है. इसके अलावा कैसपेजेस यहाँ पे काम करते हैं जो कि एंजाइम होते हैं, मेनली सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस होते हैं ये. अगर हम कहें दैट इज सेनेसेंस की, तो ये आपको ये कभी भी किसी भी पार्ट में देखने को मिल सकता है. एंड इट मे बी क्रिएटेड ड्यू टू एनी कंडीशन. इट मे बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, जैसे कि हो गया ड्राउट, इसके अलावा मिनरल डेफिशिएंसी, यूवी रेडिएशन, ओजोन, टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई, लाइट एंड डार्कनेस. मतलब किसी भी वजह से प्लांट के अंदर सेनेसेंस क्रिएट हो सकता है. वही ये ये भी हो सकता है कि प्लांट ए उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए जो उसे मिल रहा है उसके लिए सेनेसेंस इवेंट शो ना करे, लेकिन हो सकता है प्लांट बी शो कर दे. तो हर एक प्लांट का एक्सटर्नल फैक्टर के लिए रिएक्ट करने का जो दैट इज टेंडेंसी होता है वो अलग अलग देखा जाता है. अगर हम बायोटिक स्ट्रेस की बात करें,
क्योंकि जो हमने लाइक स्ट्रेस देखा, लाइक ड्राउट हो गया, इसके अलावा लाइट हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब एबायोटिक स्ट्रेस है जिसमें कि लाइफ नहीं पाई जाती है। और अगर हम बायोटिक स्ट्रेस के बारे में बात करें तो इट मे बी हर्बीवोरी, इट मे बी अ पैथोजन इंट्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी लीफ के अंदर सेनेसेंस जल्दी करवा सकती हैं। ठीक है, सो प्लांट लैक एनिमल टाइप इम्यून रिस्पॉन्स, सेवरल प्लांट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू बायोटिक स्ट्रेस कैन कन्फर बोथ लोकल एंड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस टू द पैथोजन। तो देखा ये जाता है कि एक्चुअल में प्लांट की अगर हम बात करें तो उनमें उनमें खुद का इम्यून सिस्टम नहीं होता है जिससे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इसलिए उन्होंने ऐसे बहुत से एडेप्टेशन कर रखे हैं जिससे कि जब उनके ऊपर पैथोजन अटैक करता है तो उसके खिलाफ रेस्पॉन्स देते हैं। वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है या फिर वो पूरे के पूरे सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेस का लेक्चर देखेंगे, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस का जब लेक्चर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन स्टेजेस दिए गए हैं लीफ के सेनेसेंस के। पहला स्टेज है दैट इज इनिशिएशन फेज, जहां पे मेंशन हो रखा है ट्रांजिशन फ्रॉम नाइट्रोजन सिंक टू द नाइट्रोजन सोर्स, फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन, अर्ली सिग्नलिंग इवेंट। देखा ये जाता है, मान लीजिए ये एक लीफ है, एक टाइम था जब इसको नाइट्रोजन की जरूरत थी तो नाइट्रोजन इसके पास पहुंचा करता था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर लीफ में सेनेसेंस शुरू हो गया है तो अब जिसके जिसको जरूरत होती है किसी न्यूट्रिएंट की, उस एरिया को हम बोलते हैं सिंक। तो जब इसको जरूरत थी तब तो इसने न्यूट्रिएंट को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज बिकॉज इसमें सेनेसेंस देखा जा रहा है तो अब इसी न्यूट्रिएंट्स को ये किसी और एरिया में भेजने लगेगा जहां पे इसकी नीड है। और जब ये उल्टा काम करता है तो हम कहते हैं कि ये सोर्स दैट इज सिंक के बदले सोर्स की तरह काम करने लगा है। तो अगर ये एलिमेंट जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है ये नाइट्रोजन है, तो हम ये कहेंगे कि सिंक टू सोर्स का ट्रांजिशन हो गया है, जो चीज पहले सामान ले रही थी अब वो सामान देने का काम कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस रुक जाता है यहाँ पे, और अर्ली सिग्नलिंग इवेंट जो होते हैं वो भी रुक जाते हैं। दीज आर दी अर्ली सिम्टम्स कि यस लीफ में सेनेसेंस होना शुरू हो रहा है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे स्टेप देखा जाता है दैट इज डीजेनरेटिव फेज, जिसमें डिसमेंटलिंग ऑफ सेलुलर कंस्टिट्यूएंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी सेलुलर कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, साथ ही साथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, यानी सीधी सी भाषा में कहें तो जितने भी नॉर्मल पाथवे थे सबका हैम्परिंग होना शुरू हो जाता है। एंड थर्ड स्टेप होता है दैट इज द टर्मिनल फेज, जहाँ पे लॉस ऑफ सेलुलर इंटीग्रिटी देखी जाती है, सेल डेथ देखा जाता है, एंड लीफ का एब्सेशन यानी लीफ यहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है। ये तीन एक स्पेसिफिक इवेंट है जो कि लीफ के सेनेसेंस के टाइम पे देखे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ जीन्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं सैक्स एंड एसडीजीएस। ये सारे जीन्स क्या हैं? सैक्स का मतलब क्या होता है? सैक्स का मतलब होता है सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स, यानी ये जीन्स क्या करेंगी? सेनेसेंस करवाएंगी। ठीक है, जबकि ऐसे जीन्स जो कि सेनेसेंस को रोकने का काम करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एसडीजीएस, यानी सेनेसेंस डाउन रेगुलेटेड जीन। ठीक है, ये सेनेसेंस को रोकने का काम करती हैं। सो दी अगर आप खुद देखिए कि अगर किसी प्लांट में सेनेसेंस हो रहा है तो कौन से जीन एक्टिवेट होंगे? वेरी ऑब्वियस, ये वाले जीन एक्टिवेट होंगे। ठीक है, सो अपरेगुलेटेड जीन आर टर्म्ड एज द सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स। अमंग द अर्लीस्ट टैग्स टू बी अपरेगुलेटेड आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अदर सैग्स। तो प्लांट की बॉडी में बहुत सारे सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन्स होते हैं, तो सबसे पहले उस जीन को एक्टिवेट किया जाता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे फॉर द अदर सैग्स लाइक जीन्स, ताकि जो यहाँ पे दैट इज सेनेसेंस का इवेंट है वो और ज़्यादा फास्ट हो सके। यानी अगर हम नॉर्मल बेसिस पे कहें तो प्लांट में कौन कौन सी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी जाएगी ड्यूरिंग द सेनेसेंस यानी एजिंग फेज? ऑटोफाजी ट्रांसपोर्ट हाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपरेगुलेटेड, यानी यहाँ पे सैक्स क्या हो रखे हैं? अप रेगुलेटेड हो गए हैं, तो ऑटोफाजी का इवेंट ज़्यादा देखा जाएगा। रॉस का प्रोडक्शन, ठीक है, एज वेल एज ए बी ए सिग्नलिंग, जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग और अलग अलग जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दैट इज योर कैरोटीन का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, पेक्टिन एस्टरेज एंजाइम का यहाँ पे दैट इज फंक्शनिंग देखी जाएगी, कैटलिटिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, इथिलीन सिग्नलिंग, लिपिड कैटाबॉलिज्म, साइटोस्केलेटन, इन सब का लाइक ओवरऑल रोल देखा जाएगा, यानी ये सब रोल अप रेगुलेट हो जाएंगे।
ठीक है, इन सब का रोल अप रेगुलेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे फैक्टर जो कि लीफ को सेनेसेंस में जाने नहीं दे रहे थे, उन सारे फैक्टर्स या उन सारे जीन्स का डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। यानी किस किस का डाउन रेगुलेशन हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस का डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म का डाउन रेगुलेशन हो जाएगा, कार्बन का यूटिलाइजेशन का दैट इज योर डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। इसके अलावा दैट इज क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, साइटोकाइन मीडिएटेड सिग्नलिंग, कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस, इन सब का दैट इज सिंथेसिस एज वेल एज प्रेजेंस डाउन रेगुलेट हो जाएगा। राइबोसोम का प्रेजेंस यहाँ पे इफेक्ट होगा। इसके अलावा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे अफेक्टेड होगा। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ग्रीनरी वाला एरिया, ये एक्चुअल में सेनेसेंस को रोक, जब सेनेसेंस नहीं था प्लांट में तब ये देखा जा रहा था सारा मेटाबॉलिज्म। लेकिन प्लांट में जब सेनेसेंस चला आता है तो ऊपर वाला मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। ठीक है, सो द जीन हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड बाई द सेनेसेंस आर कॉल्ड द सेनेसेंस डाउन रेगुलेटेड जीन्स। तो ये जो जीन्स हैं, यही जीन्स एक्चुअल में प्लांट को सेनेसेंस से दूर रखती हैं, जिनको डाउन रेगुलेट किया गया है। सो वी कैन से दैट अगर हम कहते हैं कि सैग्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है जो कि सेनेसेंस को बढ़ा रहे हैं, तो इस सैग्स में आते क्या क्या है? तो देखिए, सैग्स इंक्लूड मेनी जीन्स एसोसिएटेड विद द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस सच एज द ऑटोफाजी, दी रिस्पॉन्स टू द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मेटल आयन बाइंडिंग, पेक्टीन एस्टरेज दैट इज द सेल वॉल ब्रेकडाउन में काम आता है, लिपिड ब्रेकडाउन होगा, जीन इन्वॉल्व इन द एब्सेसिक एसिड, जास्मोनिक एसिड एंड इथिलीन हार्मोनल सिग्नलिंग। तो ये जितने भी यहाँ चीजें मेंशन है ना, ये सब क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगी? दैट इज सेनेसेंस को बढ़ाने का काम करेंगी। तो ये थी कहानी दैट इज सैक्स की एंड एसडीजीएस की। एसडीजीएस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा जब प्लांट में सेनेसेंस बढ़ने लगता है, तो अब बढ़ने लगता है तो इन सारी चीजों का प्रेजेंस ज्यादा देखा जाएगा। लास्ट पोर्शन आता है पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेनेसेंस, मेनली फाइटो हार्मोन कौन से सेनेसेंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेनेसेंस की बात करें, मतलब जो कि सेनेसेंस को इनहिबिट करते हैं यानी सेनेसेंस को आने नहीं देते हैं प्लांट में जल्दी, उनमें से नाम है दैट इज साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड का। दे आर सेनेसेंस रिप्रेसिंग रेगुलेटर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ सेनेसेंस जो कि प्लांट में सेनेसेंस यानी एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, उनमें चले आते हैं इथिलीन, एब्सेसिक एसिड, जास्मोनिक एसिड, ब्रासिनोस्टीरॉइड एंड स्ट्रिगोलेक्टॉन। तो यहाँ से हो ही सकता है कि एक से दो क्वेश्चन चला है या मैच द फॉलोइंग में चला है कि कौन सा सेनेसेंस प्रमोटिंग रेगुलेटर है और कौन सेनेसेंस रिप्रेसिंग रेगुलेटर है। तो इसके साथ हमने सेनेसेंस एज वेल एज प्रोग्राम सेल डेथ का भी पोर्शन कर लिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।